आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के गौरव सुंदर पिचाई की। ये भारतीय जो है ना, ये भैया बाहर जाके झंडा गाड़ देते हैं। सारी की सारी बड़ी कंपनीज में, मैक्सिमम सारी तो नहीं, आप अगर देखें तो जो बड़े औहदे होते हैं उनमें भारतीय जरूर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एक भारतीय, सीईओ एक भारतीय, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। तो भैया भारत जो है ना वो झंडे गाड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे सुंदर पिचाई की। सेलिब्रिटी है ये, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन की इनको जरूरत नहीं है। गूगल को कहां से कहां पहुंचा दिया भैया, आज भारत में पूरी सरकार ही गूगल पे चल रही है, जीमेल पे चल रही है, हर जगह गूगल है। जो दुनिया की चार सबसे बड़ी कंपनी, बिग फोर जिनको बोला जाता है, कौन कौन सी है पता है कि नहीं? अमेजॉन, अमेजॉन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। एप्पल, एप्पल को किसने खोजा था? स्टीव जॉब्स, उनकी बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी रिव्यू की हुई है, आप देख लीजिएगा। फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, इनकी बायोग्राफी नहीं की हुई है, जेफ बेजोस की भी नहीं की हुई है, तो मैं कर दूंगा। और आखिरी गूगल। तो गूगल को यहां तक लेके आने में सुंदर पिचाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा बड़ा हाथ, पैर पांव सब है। तो आज हम बात करेंगे सुंदर पिचाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं। SID_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की PDF ले सकते हैं, हिंदी में भी PDF अवेलेबल है दोस्तों। स्टडी IQ के ब्लॉग्स पे अपलोड होती रहती है, मैं शेयर करता हूं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट जाके। साथ ही साथ स्टडी IQ के टैबलेट पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम के लिए आते हैं। हाल ही में अभी हमने बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं दोस्तों, UPSC ऑप्शनल के लिए पॉलिटिकल साइंस का भी जो कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया है, और UGC नेट का एक बहुत बड़ा कोर्स कॉमर्स, UGC नेट कॉमर्स, कॉमर्स का कोर्स दोस्तों इस मंथ या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। बुकिंग्स बहुत जल्दी होने लगेंगी, तो जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगर सुंदर पिचाई की बात करें तो भैया इनका नाम है पिचाई सुंदर राजन, जो बाद में सुंदर पिचाई हो गया। तो जिस तरीके का इनका नाम है आपको पता ही चल रहा होगा कि नाम से ये कहां के हैं, बिल्कुल सही पहचाना, ये तमिलनाडु के हैं। जी हां, 12 जुलाई 1972 में तमिलनाडु मदुरई में इनका जन्म हुआ था। अब क्या है ना कि जब ये पैदा हुए थे तो एक मिडिल क्लास फैमिली है वैसे इनकी, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं, बहुत ज्यादा गरीब नहीं, ठीक ठाक। इनके पिताजी जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और इनके सुंदर पिचाई बताते हैं कि इनके पिताजी जो है वो अक्सर बताते थे कि जॉब कैसी थी उनकी, क्या चैलेंजेस है, एक बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन थी सुंदर पिचाई और उनके पिताजी की। अब क्या है कि सुंदर पिचाई बताते हैं कि मुझे कोई लग्जरी नहीं मिली थी, ठीक है, बचपन में मैंने कोई बहुत, जैसे अक्सर सोचा जाता ना कि अगर कोई बहुत बड़े औहदे पे पहुंचा है तो उसका जीवन ऐसे ही रहा होगा, नहीं नहीं, ये सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने कड़ी मेहनत की। सुंदर पिचाई को कोई लग्जरी नहीं थी, जमीन पे सोते थे, फ्रिज भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, ठीक है, मदर इनकी हाउसवाइफ नहीं थी, इनकी मदर जो थी वो स्टेनोग्राफर थी, ठीक है ना। तो सुंदर पिचाई अपने भाई के साथ जमीन पे सोते थे, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था, और ये पढ़ने का शौक इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि सुंदर पिचाई कहीं पे भी जाते थे वो किताब लेके जाते थे। वैसे क्रिकेट खेलने का भी बहुत ज्यादा शौक था, और अब फुटबॉल को बहुत ज्यादा शौक है। लियोनल मेसी, जिनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की हुई है, मेसी की, जी हाँ, और सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। तो क्रिकेट खेलते थे, गली क्रिकेट होता था, लेकिन जहां पे भी जाते थे भैया किताब इनके साथ रहती थी। और आपको बहुत एक चीज बताता हूं कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो सबके फेवरेट हैं, ठीक है। अब सबके फेवरेट देखिए, दो ही बच्चे जो होते हैं वो सबके फेवरेट होते हैं, ठीक है, एक जो टीचर के फेवरेट होते हैं। अब जो टीचर के फेवरेट होते हैं वो जीनियस होते हैं, पढ़ने में भैया हमेशा फर्स्ट रैंक आती है उनकी, परसेंटेज ऑलवेज 90+, ठीक है। और जो बच्चों के फेवरेट होते हैं वो थोड़े से शैतान टाइप के होते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। तो यही दो जो हैं वो स्कूल में इन्हीं दो तरीके के स्टूडेंट्स का नाम चलता है। सुंदर पिचाई इन दोनों में से कहीं नहीं थे, जी हाँ, बहुत ही शांत थे, बहुत ज्यादा। वैसे सुंदर पिचाई अभी भी बहुत ज्यादा शांत है, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें,
तो वो जो उनके जवाब होते हैं ना, बड़े नपे तुले होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उतना ही बोलते हैं जितना पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल शांत थे। इनके स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये लड़का है भी कि नहीं, मतलब इतने शांत थे, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते थे सुंदर पिचाई, कोई ज्यादा स्कूल में उनको पहचानता नहीं था। होता है ना कि जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, जो जीनियस होते हैं और जो थोड़े शैतान होते हैं, वो जहां पे भी जाते हैं उनका नाम होता है। सुंदर पिचाई ऐसे नहीं थे, उनको कोई भी नहीं जानता था, ठीक है ना। तो ये चीज, अब जिनको लगता है कि भैया स्कूल में मैंने कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं किया, सुंदर पिचाई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सुंदर पिचाई क्या दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो आज बहुत बड़े पोजीशन पे हैं। मैंने एलॉन मस्क की बायोग्राफी रिव्यू की थी, आप देख लीजिएगा, लाखों लाखों लोग उसको देख चुके हैं। उसका भी जीवन कुछ इसी तरीके का था, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों क्या है कि ये मिडिल क्लास फैमिली थी इनकी, छोटा सा घर था, ये लिविंग रूम के फ्लोर पे सोते थे, इनका एक भाई भी है। और जिस सोसाइटी में रहते थे दोस्तों, उसमें किराएदार बहुत सारे रहते थे। और आपको बता दूं कि इनको बहुत एंजाइटी भी होती थी। आज भी सुंदर पिचाई जब सोते हैं तो उनके पास एक वाटर बॉटल होती है, वो पानी के बिना नहीं सोते, क्योंकि इनको एंजाइटी अटैक पड़ते थे, ठीक है। और कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे कि ना फ्रिज है, ना टीवी है, फोन तक नहीं था। लेकिन जब इनके परिवार में पहली बार फोन आया, तो सुंदर पिचाई ने अपने पहले टैलेंट को पहचान लिया। वो आपको याद है कि पुराने जमाने में जो जिस तरीके के फोन आते थे, वो किस तरीके के होते थे, वो डायलर वाले होते थे, घुमा घुमा के उसको डायल करते थे ना। मेरे अभी दोस्तों बहुत बाद में फोन आया था, ठीक है, 1997-1998 में वैसा ही फोन आया था, तो मैं जबरदस्ती उससे खेलता रहता था, तो कई बार तो रॉन्ग नंबर डायल हो जाते थे। तो यहाँ पे सुंदर पिचाई जब ये नंबर डायल करते थे, तो उनको जितने भी नंबर डायल कर रहे हैं वो याद हो जाते थे, वो मेमोराइज कर लेते थे जो भी, ये इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था, ठीक है ना। अब पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे। अब दोस्तों क्या होता है कि इनकी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो जवाहर विद्यालय में होती है, और उसके बाद फिर चेन्नई से ही अपना ट्वेल्थ जो है वो पूरा करते हैं। अब ट्वेल्थ के बाद असली जीवन स्टार्ट। इनसे हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आए थे, इन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो हाल ही में इनसे पूछा गया था कि आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थे। तो सुंदर पिचाई ने बोला कि मेरे इतने परसेंटेज नहीं थे कि मुझे कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मतलब एक मॉडरेट स्टूडेंट थे, ठीक है, हालांकि ऐसे भी नहीं थे, ठीक है, उन्होंने अपने परसेंटेज तो नहीं रिवील किए, लेकिन 80 प्लस तो होंगे ही। खैर, परसेंटेज वैसे इतना मैटर नहीं करते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों, नॉलेज मैटर करती है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बहुत एकेडमिकली जिन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो आज बड़े बड़े टॉपर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। नॉलेज अच्छी रखिए बस, अगर आपके पास ज्ञान होगा तब, इसका मतलब ये नहीं कि एकेडमिक को पूरा भूल जाइए, ज्ञान अगर होगा तो अपने आप एक्सेल करेंगे। तो यहां पे फिर उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, शुरू से ही जैसा कि मैंने बताया फोन पे ये बहुत खुड़पैच करते थे। अब फोन जब आया इनके पास, तभी इन्होंने पता चल गया इनको, ये तो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर कुछ भी करना है तो इसी फील्ड में ही करना है। बहुत मेहनत की दोस्तों। इंडिया के तीन सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हैं, ठीक है, सबसे पहला है IAS, ये तो इंडिया क्या क्या दुनिया का, भारत का सिविल सर्विस क्रैक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना। तो IAS सिविल सर्विसेज UPSC, उसके बाद एक CAT का एग्जाम और फिर IIT, ये तीन बेसिक एग्जाम सबसे टफ होते हैं, टफेस्ट एग्जाम है इंडिया के। तो भैया IIT के लिए कितनी ज्यादा मेहनत चाहिए, इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन कॉलेज है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो यहां पे इन्होंने जी तोड़ मेहनत की, एंट्रेंस एग्जाम दिया और IIT में इनका दाखिला हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज थी। तो एक बार आप इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, फिर आपको अपनी फील्ड चुननी होती है। अच्छा, ये मद्रास नहीं है, खड़गपुर है, मतलब ये एक्चुअली मद्रास यहां पे होना चाहिए था, तो मैंने यहां पे लिख दिया है। जिस IIT में इनको एडमिशन मिला था, IIT खड़गपुर था, ठीक है। अब तो काफी IITs खुल गए हैं, पहले खाली 7 होते थे। तो IIT खड़गपुर में इनको एडमिशन मिला, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों बता दूं कि इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग चुनी। अब दोस्तों देखिए, सुंदर पिचाई का ये मानना है कि इंसान वही सक्सेस होता है जो भविष्य को देख लेता है, और बिल्कुल सही बात भी है। अगर आपने देख लिया कि भविष्य क्या है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। उस समय मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग क्या होती है भैया, मेटलर्जी क्या, मेटलर्जी पता है ना, वो ब्रांच ऑफ साइंस जो आपके
मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से, क्योंकि जब आपको मेटल्स मिलते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और वो मेटलर्जी आपको बताती है, मतलब एक तरीके से ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो दुनिया का फ्यूचर, दुनिया का प्रेजेंट है और फ्यूचर भी है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आने से ही तो ये टेक्नोलॉजी पूरी बदल गई है कि नहीं भैया, सेमीकंडक्टर्स जब आए, यही तो बोलते हैं कि जब शॉकली ने सेमीकंडक्टर्स को मतलब इन्वेंट किया, तब सुंदर पिचाई जो है वो अमेज्ड हो गए, तब उनको लगा था कि यार इस ब्रांच में बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सुंदर पिचाई खुद बताते हैं, ठीक है ना, कि मटेरियल फिजिक्स ऐसी थी, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट मतलब मटेरियल्स की स्टडी, ठीक है ना, जो जिसने इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, ठीक है, इसीलिए इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो मेटलर्जी से पूरा किया, और उसके बाद फिर ये स्टैनफर्ड चले गए, ठीक है, मटेरियल साइंस से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने, ठीक है ना। तो स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये गए थे तो पहली बार, वैसे बता दो कि इनके जो अंकल हैं, ठीक है, वो इससे पहले अमेरिका में ही थे, और इनके अंकल बताते थे कि अमेरिका में काफी अपॉर्चुनिटी है, और उस समय कोई टेलीफोन्स नहीं थे, ठीक है, मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना था कि आपके पास स्मार्टफोन है, आपने गूगल किया और आपको पता चल गया अमेरिका में क्या है, सिलिकन वैली क्या, ये सब तो थी नहीं। तो सुंदर पिचाई जब आईआईटी में थे तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया, अब किसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इन्होंने अमेरिका के बारे में पढ़ना शुरू किया कि अमेरिका में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सिलिकन वैली जो है अमेरिका में वो क्या है, उसका मतलब क्या है। तब इन्होंने जाना कि अगर मुझे मटेरियल साइंस में असली करियर बनाना है तो मुझे अमेरिका जाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। अब दोस्तों ऐसा है, और ये बताते हैं कि जब ये स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी गए थे तो पहली बार प्लेन में बैठे थे, और इनके पिताजी के पास अब इतना पैसा तो था नहीं, इन्होंने स्कॉलरशिप ली थी स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में, इनको स्कॉलरशिप मिली थी, इतना पैसा तो था नहीं लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बड़ी थी, कुछ ना कुछ तो करना था। तो इनके पिताजी ने अपनी सारी सेविंग्स जो है सारा पैसा अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दिया था। दोस्तों इनके परिवार ने भले ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल झेला है, गरीबी झेली है, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन से कभी समझौता नहीं किया, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दी, और उसके बाद फिर वो वॉर्टन स्कूल से उन्होंने अपना एमबीए किया, और यही स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी है। आपको बता दूं कि बड़े कोइंसिडेंस हुए सुंदर पिचाई की लाइफ में, इसी स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी से कौन निकले थे, गूगल के फाउंडर, जी हां, यहीं से पीएचडी किया था। कौन है गूगल के फाउंडर, लैरी पेज और सर्गी प्रिन, ये दोनों ही स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे और यहीं से ही निकले थे, और बाद में लैरी पेज ने सुंदर पिचाई को, उनके टैलेंट को पहचान लिया। तो ये चीज है। अब दोस्तों इन्होंने वहां पे अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, अभी मैं इनकी लव लाइफ पे भी आऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इनकी लव स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसको पूरा किया और उसके बाद जो है अपनी पहली जॉब जो है वो मैकिन्जी एंड कंपनी में इन्होंने ली, ठीक है, वहां पे की। लेकिन दोस्तों इन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन कर लिया, गूगल को इंटरव्यू दिया, गूगल ज्वाइन कर लिया। अब गूगल को जब इन्होंने, जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, लकीली उसी वक्त जीमेल लॉन्च हुआ था। जी हाँ, गूगल का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो अभी तक चल रहा है भैया, पूरी सरकार क्या, भारत में तो सब जगह जीमेल ही जीमेल है, गूगल है, ठीक है। तो ये चीज है, वैसे हमको अपना गूगल बनाना चाहिए दोस्तों, सुंदर पिचाई को भारत में लाके अपना गूगल सेटअप करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये एक चीज है जिस पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है, देना चाहिए। तो 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल को ज्वाइन किया। अब उसके बाद शुरू में तो टूल बार्स, देखिए ये जो पूरा का पूरा जो ज्वाइनिंग है गूगल, इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो ब्रांच थी वो तो मेटलर्जी थी, वो तो सॉलिड स्टेट थी, लेकिन इन्होंने ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया जो कंप्यूटर्स में काम करती थी, तो जाहिर सी बात है इन्होंने सीखा, इन्होंने प्रोग्रामिंग सीख, इन्होंने कोडिंग सीखी। और उसके बाद फिर जब इंटरनेट लॉन्च हुआ तब सुंदर पिचाई को तो पता चल ही गया था कि ये जो आने वाला फ्यूचर है इंटरनेट इसको रूल करने वाला है। तो 2004 में इन्होंने गूगल ज्वाइन किया, और उसके बाद शुरुआती जो इनकी जॉब थी गूगल में वो प्रोग्रामिंग करना, थोड़ा बहुत गेमिंग, टूल बार को किस तरीके से मैनेज किया जाए, लेकिन बहुत ही जल्द सुंदर पिचाई ने अपने आइडियाज जो है वो देने शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसा हुआ कि आपको पता ही है कि उस समय क्या चलता था, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी को पता है, हर कोई बोलता था ना, कुछ फॉर्म्स तो उस समय ऐसे आते थे जो बिना, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से नहीं भर रहे तो वो तो फिर वो अलाउ ही नहीं करता था, बार बार डिनाई कर देता था।
तो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था माइक्रोसॉफ्ट, सबसे बड़ी कंपनी, जी हां बिल गेट्स की भी बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया है। ये डर था, देखिए कंप्यूटर में तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का होता है, विंडोज होती है, ठीक है ना। तो भैया बिलगेट्स ने क्या बोला, बिलगेट्स ने क्या सोचा और यहां पे सुंदर पिचई को क्या लग रहा था कि हमको अपना ब्राउजर बना देना चाहिए बहुत जल्द। मोजिला था लेकिन एक और अच्छा ब्राउजर बना देना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ मिलके कभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर देगा, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा पूरा मार्केट चला जाएगा। तो यहां पे डिफॉल्ट ब्राउजर आप समझते हैं ना कि जब भी आप फोन को खोलते हैं, ठीक है, या अपने कंप्यूटर को भी खोलते हैं, तो हमेशा वो पूछता है ना कि आपको डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा सेट करना है, वो पूछता है, ठीक है। लेकिन ऐसी प्लानिंग चल रही थी कि कुछ नहीं पूछेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनबिल्ट आएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुंदर पिचई ने बहुत जल्दी पहचान लिया। अब सुंदर पिचई ने ये उस समय के जो सीईओ थे एरिक श्मिट उनको बताया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो इस एरिया, इस जो प्रोजेक्ट है इसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन लैरी पेज और सर्गी प्रिन को कन्विंस करने में वो कामयाब हो गए, और उसके बाद आज जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता ब्राउजर है दुनिया में, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है गूगल क्रोम, उसकी शुरुआत हो गई। और आपको बता दूं सुंदर पिचई ने जो बोला था वही हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया, और जो हुआ, जो सोचा था सुंदर पिचई ने, तो सुंदर पिचई की प्रेडिक्शन सही हो गई। अब उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए क्या हुआ था ना कि उस समय मोजिला फायरफॉक्स था, ठीक है, गूगल का प्रोडक्ट, तो यहां पे जब विंडोज को यूज कर रहा था, जब अपना कंप्यूटर यूज कर रहे थे, कंप्यूटर में विंडो होती है, तो आपके पास खाली इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक के बाद एक गूगल के पास जो ट्रैफिक आता था वो डाइवर्ट हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर बिंग पे, ठीक है ना, एक और ब्राउजर था बिंग, अभी भी चलता है, ठीक है ना, यहां पे पूरा डाइवर्ट होने लगा ट्रैफिक। 24 घंटे मांगे थे सुंदर पिचई ने, सुंदर पिचई ने एक अपनी पूरी टीम बनाई और इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक लूप होल ढूंढ लिया। अब यहां पे क्या होता है कि जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबने खोला तो एक पॉपअप विंडो आई, एक विंडो आती है ना, पॉपअप समझते हैं ना कि कंप्यूटर पे आता ना साइड में, कि क्या आप चाहेंगे कि हम आपका पासवर्ड सेव करें, क्या आप चाहेंगे कि हम इसको डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर दे, उसको पॉपअप विंडो कहते हैं। तो जब भी कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता था, अब मुझे गूगल यूज करना है, मेरे सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, मुझे गूगल मिल नहीं रहा है, तुरंत एक विंडो सामने आ जाएगी, एक पॉपअप विंडो, कि क्या आप चाहेंगे कि गूगल को, मोजिला को, क्रोम को हम आपकी डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर दें। हम वहां पर क्लिक करते हैं और उसके बाद विंडोज पे भी गूगल आ जाता है। तो ये सक्सेस थी, और इस चीज ने सुंदर पिचई को गूगल में तो हीरो बना ही दिया, उनको वर्ल्ड वाइड अक्लेम, इंटरनेशनल फिगर वो यहां से होना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया, और दोस्तों गूगल के तो कितने सारे प्रोडक्ट हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गूगल मैप्स है, जीमेल है, डुओ है, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव तो एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, गूगल के इतने सारे ब्राउजर्स हैं, और अब तो गूगल एंड्रॉयड में भी कूद गया है, तो फोन भी बनाने लगा है। तो ये चीज है, तो सुंदर पिचई इसके पीछे है, ये सारे के सारे जितने भी ये जो नए नए प्रोडक्ट इनोवेशन जो हो रहे हैं ना गूगल में, सुंदर पिचई का सबसे बड़ा हाथ है, 70-80% कंट्रीब्यूशन है सुंदर पिचई का। ये जो सक्सेस हुआ गूगल प्रो, इसके बाद इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, और उसके बाद 2014 में सुंदर पिचई को सीईओ बना दिया, ठीक है ना, 2015 में सीईओ, और लैरी पेज ने ही ये डिसीजन लिया था, सर्गी प्रिन और लैरी पेज और उनके सक्सेसर बने, और गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी को अभी तक बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो लीड कर रहे हैं। वैसे बता दूं, एक अभी इनसे सवाल पूछा गया था कि आपके पास कितने स्मार्टफोन्स हैं, तो सुंदर पिचई जो है वो फोन में बड़ी खुड़पैची करते हैं, ठीक है, तो इनके पास 30-35 स्मार्टफोन्स है, बाप रे 30-35, तो हर घर में, पूरे घर में इनके पास फोन ही फोन है, ठीक है ना। तो ये चीज है, और अभी तक पूरा जो गूगल है बहुत ही अच्छे से चल रहा है, हालांकि अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपको पता ही है कि गूगल जो हम, देखिए हम डेटा देते हैं ना गूगल को, ठीक है ना, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने का आरोप था गूगल पे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने, यूएस की कांग्रेस ने सुंदर पिचई को बुलाया, और वो पूरा 3 घंटे पूछताछ चली है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब अगर बात करें पर्सनल लाइफ की, तो दोस्तों इनकी जो लव स्टोरी है, इनकी जो
वो आईआईटी से ही शुरू होती है। इनकी जो वाइफ है, इनका नाम है अंजलि पिचाई, इनके दो बच्चे हैं, ठीक है, काव्या और किरण। किरण जो है वो बेटा है, काव्या जो है वो लड़की है, और ये कैलिफोर्निया में रहते हैं। अब अंजलि पिचाई भी आईआईटी में पढ़ती थी, तो भैया अब ये बहुत शांत इंसान, ये कैसे अप्रोच करें? तो अंजलि पिचाई को ये मनी मन चाहने लगे थे। केमिकल इंजीनियर है, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से, अंजलि पिचाई ने केमिकल इंजीनियरिंग से जो है उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी से इंजीनियरिंग पूरी की है। तो भैया ऐसा है कि जब अंजलि पिचाई वहां पे पढ़ती थी तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तो दोनों में प्यार बढ़ा। अपने दोस्तों को 4 साल तक इन्होंने पता नहीं चलने दिया कि अंजलि से मैं प्यार करता हूं, और लास्ट टाइम जब था, फोर्थ ईयर आया, तब इन्होंने अंजलि पिचाई को जाके प्रपोज किया और अंजलि पिचाई मान गई। उसके बाद अंजलि पिचाई और सुंदर पिचाई रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद सुंदर पिचाई को अमेरिका जाना पड़ गया। अब अमेरिका जाने के लिए तो पैसे चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे अंजलि पिचाई और सुंदर पिचाई बिल्कुल अलग हो गए थे। 6 महीने तक दोनों में बातचीत भी नहीं होती थी, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स बहुत महंगे थे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो 6-7 महीने बाद वापस आए, भारत वापस आए, तुरंत ही अंजलि पिचाई के, अंजलि के माता पिता से उन्होंने बात की, और उसके बाद इनको भी अमेरिका ले गए। और अभी भैया इनका बहुत ही अच्छा परिवार है। अब सैलरी मत पूछिएगा कि सर सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है, वो आप देख लीजिए कितनी सैलरी। अब ये सब तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है ना। तो ये सुंदर पिचाई की बायोग्राफी थी, जबरदस्त इनकी कहानी रही है दोस्तों, और अभी भी जारी है। 46 साल के हैं, और हम तो यही कहेंगे कि भैया इनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो, क्योंकि भारत के हैं ये। वैसे सबसे बेस्ट यही होगा कि भारत आ जाए और हमारे भारतीयों के लिए काम करे, भारत के लिए गूगल बनाए, क्योंकि गूगल तो अमेरिकन कंपनी है, तो सारा प्रॉफिट तो अमेरिकन ले जा, मतलब बाहर की कंपनीज ले जा रही है, हमारे लिए क्या बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आए, काम करें, गूगल बनाए, और सरकार को भी इनिशिएट करना चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग।